इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शारजा रमदन टी10 लीग के आज के दिन के दोस्तों पहले मुकाबले की सीरीज़ का ये 30वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम SRK वर्सेस टीम DCS के बीच में। तो वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैन लीग के लिए और कौन से प्लेयर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के लिए। तो आपको वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप कुछ भी अर्न करना चाहते हैं। तो बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय ऑलमोस्ट 15,900 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, फाइनल अपडेट फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम जो कि है शारजा में और आपको यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 102 रनों के आसपास बनता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों टीम SDT की, तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने दोस्तों 3 मैचेस खेले हैं जहां पर इनकी टीम तीनों ही मैचेस अपने हार कर आई है। जबकि अगर मैं बात करूं टीम DCS की, तो इनकी टीम टूर्नामेंट के अंदर 3 मैच खेले हैं लेकिन इनकी टीम सिर्फ 1 मैच जीती है और अपने 2 मैच हार के आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि DCS की टीम काफी स्ट्रांग हो सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो है इनकी ओर से प्रेफर कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो पहला नाम आपके सामने निकल के आता है वैभव बेशवानी का जो कि आपको अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए ये 23 रन बनाकर आए हैं तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप यहाँ पर इनको पिक करके चल सकते हो। SAT की मैं बात करूँ तो अपनी टीम की ये कैप्टनसी लास्ट मैच में कर रहे थे, नंबर 3 पर ये बैटिंग करने आए थे और अपनी टीम के लिए सिर्फ ये 7 रन ही बना पाए थे। अगर आप लेके जाना चाहो तो जा सकते हो अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो। इसके बाद यहाँ पे SDT की ओर से नाम निकल के आता है एस सिंह और यहाँ पे एम दाऊद का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम दाऊद की, तो ये आपको अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करके देंगे, साथ में आपको ओपन भी करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में एम दाऊद ने अपनी टीम के लिए 19 रन बनाए हैं तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं बात करूँ एस सिंह की, तो भाई इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा ही नीचे है तो इनको भी करना रिस्की हो सकता है। तो अभी के लिए कीपिंग सेक्शन से मैं यहाँ से 2 विकेट कीपर को पिक किया हूँ, पहला ऑप्शन है वासवानी का, दूसरा ऑप्शन है दाऊद का। बैटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम निकल के आता है अमुल्ला खान का, SDT की ओर से आपको बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। अमुल्ला खान की अगर मैं बात करूं तो भाई बैटिंग ऑर्डर जो है ऑलमोस्ट इनका काफ़ी ही मैं बोलूंगा कि नीचे की ओर है, तो ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी माजिद उल्ला प्रॉपर इनका नेम है तो अभी के लिए तो मैं ट्राई नहीं करूंगा। लास्ट मैच में 21 रन जरूर अपनी टीम के लिए बनाए हैं लेकिन नंबर 6 के आसपास बल्लेबाजी करने आएंगे तो बैटिंग बहुत ही ज़्यादा नीचे कर रहे हैं। इसके बाद इन्हीं की टीम से आते हैं मोइन खान। मोइन खान की मैं बात करूँ तो ये भी माजिद खान से जस्ट बाद बैटिंग करने आएंगे, ये आपको नंबर 7 पर बैटिंग करने आएंगे, लास्ट मैच में 8 रन बनाए हुए हैं तो इनको भी मैं ट्राई नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नाम निकल के आता है तुफेल का। तुफेल की बात की जाए तो ये आपको नंबर 4 पर बैटिंग करके दे सकते हैं, लास्ट मैच में 11 रन भी इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए हैं तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों एच उल्ला की, तो इनकी बात करूं तो ये आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो सिर्फ 1 रन ही इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया था लेकिन टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करने आ रहे हैं जिस कारण से मैं इनको पिक करने वाला हूँ। बाकी बात कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों टीम DCS की। तो DCS की अगर मैं बात करूँ तो इनकी टीम से बैटिंग से भाई देखा जाए तो सौरभ सिंह करके एक प्लेयर निकल के आता जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में 9 रन इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया तो आप यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो और कोई भी बैट्समैन यहाँ से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप पिक करके चल सको। ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो नाम निकल के आता है सगीर का लेकिन ये लास्ट मैच नहीं खेले थे। इसके बाद यहाँ पे नाम निकल के आता है आरुल्ला का SDD की ओर से। आरुल्ला की मैं बात करूं तो लास्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी अगर मैं देखूं तो भाई लास्ट मैच में इन्होंने 1-2 ओवर की गेंदबाजी की हुई है लेकिन कोई भी विकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन इससे पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी की है। एस रसूल की मैं बात करूं तो ये भी लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कर आए पर विकेट इनको भी नहीं मिले हैं। बाकी नीचे से तो और कोई ऑलराउंडर इनकी ओर से इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी के लिए हम यहाँ पे आरुल्ला को पिक करेंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ DCS की, तो इनकी ओर से अगर मैं बताऊँ कि कौन से ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो पहला नाम निकल के आता है यहाँ पे एक तरीका
सही तरीके की बात की जाए लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग जरूर की है पर बहुत ही महंगे साबित हुए थे और एक भी विकेट इनको नहीं मिला था। एफ अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, मैं इनको ट्राई करूंगा। सबनानी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, मैं इनको ट्राई करूंगा। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ से तरीको ट्राई कर सकते हो जो कि आपके लिए जैकपॉट हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो मेरे तीन मेन ऑलराउंडर्स हैं वो यहाँ पर आरुल्ला, अफरीदी और यहाँ पर सबनानी है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों इनको ही पिक करूंगा। बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग की, नाम निकल के आता है शहबाज का। शहबाज की बात की जाए लास्ट मैच में दो ओवर की बॉलिंग की है, विकेट निकाला है एक। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इन्हीं की टीम से नाम निकल के आता है जलाजाई का। जलाजाई की बात की जाए लास्ट मैच में दो ओवर के आसपास बॉलिंग की है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 रन दिए थे लेकिन विकेट नहीं मिल पाया है। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर DCS की ओर से, तो इनकी ओर से भाई रहमानी ने अच्छी गेंदबाजी लास्ट मैच में की है तो इनको भी करेंगे। बाकी यहाँ पर अली इकबाल एक प्लेयर है, लास्ट मैच में सिर्फ एक ही ओवर किया है। बाकी एम जॉर्ज ने दो ओवर की बॉलिंग की है तो मैं अभी के लिए एम जॉर्ज को पिक करूँगा। बाकी यहाँ से देखा जाए तो और कोई खिलाड़ी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपनी टीम में भाई उन प्लेयर्स को ले रखा है जो कि आपको प्रॉपर बैटिंग करके दे सकते हैं, प्रॉपर आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। तो हमारी जो टीम है दोस्तों यहाँ पर रेडी हो गई है। जैसा मैंने बोला था कि DCS की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो मैंने 6 खिलाड़ी इनकी ओर से प्रेफर किए हैं, 5 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे SDT की ओर से पिक किए हैं। बात करता हूँ भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको दी जानी चाहिए। अगर बात की जाए भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के लिए वो यहाँ पर देखो कौन हो सकते हैं। पहला नाम यहाँ पर देखो एफ अफरीदी का था, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। इसके अलावा आप आरुल्ला को कर सकते हो, लेकिन मैं कैप्टन यहाँ पे आज के मैच में वासवानी को करूंगा। ज़्यादातर मैचेस में मैं इनको वाइस कैप्टन करके आया हूँ तो इस मैच में भी मैं इनको कैप्टन करने वाला हूँ। वाइस कैप्टन आप यहाँ से एफ अफरीदी को दे सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो टीम है रेडी है, इसको सेव करते हैं और एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये जो है हमारे दोस्तों यहाँ पे स्मॉल की टीम रहने वाली है, एक बार आप इसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, जो भी आपको चेंज करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना याद रहे कि फाइनल अपडेट फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय ऑलमोस्ट 15,900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।